walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. हेलो 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 यूट्यूब, क्या हाल है। सो आज मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ अपने चेस्ट वर्कआउट की। मैं पहले पी रहा हूँ क्रिएटिन, ग्लूटामिन एंड हाफ स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट। ओके, आज मैं कर रहा हूँ FST7 वर्कआउट फेस वन। जिनकी वीक चेस्ट है उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। इफ़ यू कैन ट्राई करना, आपको अच्छी लगी। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ और पहला सेट कर रहा हूँ केबल फ्लाइज का। आई विल गो टू द फेलियर और इसके मैं 7 सेट्स करूँगा बैक टू बैक, 30 सेकेंड रेस्ट इन बिटवीन, नॉट मोर देन दैट, बैक टू बैक। जिनकी वीक चेस्ट है ये वर्कआउट स्पेशली मैंने उनके लिए डिज़ाइन करा है। हैनी रैम्बोर्ड का वर्कआउट है ये। सो बैक टू बैक 7 सेट्स, 30 सेकेंड रेस्ट, केबल फ्लाइज इन द स्टार्ट ऑफ द वर्कआउट। एक्चुअली ये है क्या कि ये ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है आपके टारगेट मसल में, जो भी आप टारगेट कर रहे हो। लाइक आई एम टारगेटिंग माई चेस्ट, तो चेस्ट में पूरा ब्लड सर्कुलेशन के बाद उसके बाद प्रेसिंग मूवमेंट्स करनी, इट्स गोना बी वेरी गुड। तो ये फेज़ वन है। FST7 के 2 फेज़ हैं, एक है फेज़ वन और फेज़ टू। फेज़ टू जब आपका कंप्लीट नियर है तब वो होता है, जब आपको कटिंग फेज में जाना होता है। दिस वर्क्स इन मेंटेनेंस एंड गेनिंग फेज। FST7 फेज़ वन वर्कआउट, 7 sets of cable flies back to back। मैंने सोचा चलो आज वॉइस ओवर दे देता हूँ, बहुत हो गया बोरिंग अदर वीडियोस, आप बोर भी हो गए थे। ओके, अदर इसके बाद मैं आ गया हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस। 4 sets करूँगा मैं, 10 to 12 repetitions। इसके बाद मैं हैवी लिफ्टिंग करूँगा सारी। ये मेरा पहला वर्किंग सेट है और इसके बाद मैंने उठाया था 40 kgs, आई गेस 35 kgs, फिर उठाया था 40 एंड देन आई डोंट नो, हैव टू सी द वीडियो। रेस्ट 30 सेकंड्स टू 50 सेकंड्स मैक्स। आई एम टायर्ड, या मैं डंबल ढूंढ रहा हूँ या मैं थका हुआ हूँ, आई डोंट नो। नहीं, मैं डंबल ढूंढ रहा हूँ और मैंने डंबल उठा लिए हैं, शायद 35 के हैं ये। ओके, नो दीज आर 40 kgs, 40 kgs ईच चेस्ट प्रेस। आई विल ट्राई टू डू 6 to 8 रेपिटेशंस हियर। इतना फटीग आ जाता है केबल फ्लाइज के बाद दैट इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट हैवी, बट हमें हैवी ही लिफ्ट करना है, हमें लाइट वेट लिफ्ट नहीं करना है। दिस इज़ द चैलेंज, यही एक चैलेंज है इस वर्कआउट का। ओके, वो देख रही थी गुस्से से कि मैंने ऐसे क्यों फेंक दिया डंबल, बट मैंने उसको बाद में हाय बोल दी थी। ओके, दिस वन इज 50 kgs ईच। बहुत मुश्किल से मैंने लगाया क्योंकि मैं प्री फटीग हूँ, पहले इतना फटीग हो चुका हूँ, और 50 kgs मेरे को इतना टफ लग रहा था, यहाँ पे बहुत टफ लग रहा था, क्या बताऊँ यार। बट फिर भी आई ट्राइड, मैंने हेल्प ली ट्रेनर की एंड बहुत मुश्किल से 4 या 5 स्टेप लगाए। ओके, बट जब भी मैं हैवी लगाता हूँ आई ट्राई टू कंट्रोल द मोमेंट, मैं मोमेंट हमेशा कंट्रोल में रखता हूँ। ओके, अगला सेट है डंबल चेस्ट प्रेस। ग्रिप मैंने इसकी चेंज करी है, आई वॉन्ट टू टारगेट द साइड पैक्स। जो साइड पैक्स होते हैं जब हम साइड पोज मारते हैं तो हमारा जो साइड पैक होता है उसके लिए है ये। ये भी हैनी रैम्बोर्ड क्या ही एक वर्कआउट है चेस्ट का, सो आई एम फॉलोइंग दैट एंड शेयरिंग इट विद यू गाइस। 40 kgs ऑफ डंबल चेस्ट प्रेस।
पाम फेसिंग ईच अदर ग्रिप है ये। इसको पुश करना है जब आपके चेस्ट के पास आता है, तो पुश फ्रॉम योर चेस्ट, स्क्वीज ऑन द वे अप। चार सेट्स लगाऊंगा इसके मैं हैवी। टायर्ड, वेरी मच टायर्ड। और एक और चीज़ बताऊँ मैं कि जो भी वर्कआउट्स आप करते हो उसका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का बहुत असर होता है आपके वर्कआउट्स पे। अगर आप प्री फिल्ड नहीं हो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, या आपने मील्स नहीं खाए हुए हैं, तो आपके वर्कआउट्स इंटेंस नहीं हो सकते हैं। यू फील टायर्ड इन बिटवीन योर वर्कआउट्स। तो मेक श्योर आप अच्छा हेल्दी मील खा के एक घंटा वेट करके उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करिए। ओके, इसके बाद मैं कर रहा हूँ मशीन चेस्ट प्रेस, स्टैटिक होल्ड। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये इसलिए ताकि मेरी जो चेस्ट इम्बैलेंसेस है, कुछ भी इम्बैलेंस है उसको कवर करने के लिए है ये। ट्राई टू डू एज मैनी रेप्स एज आई कैन। यस यस, गिव मी सम वाटर। इसके मैंने चार सेट्स लगाए थे, और अब है डिक्लाइन फ्लाइज। इसको मैं सुपर सेट कर रहा हूँ डिक्लाइन डंबल प्रेसेस के साथ, प्री फटीग मूवमेंट। अगेन, बहुत से लोग डिक्लाइन को निगलेक्ट करते हैं, बट गाइज डिक्लाइन के बिना आपके स्क्वायर पैक्स पॉसिबल ही नहीं है। सो मेक श्योर यू हैव दैट स्क्वायर पैक लुक। डिक्लाइन फ्लाइज सुपर सेट विद डंबल, डिक्लाइन डंबल प्रेसेस। मेक इट हार्ड, मेक इट कीप इट कमिंग। एंड इसके मैंने तीन सेट्स लगाए थे, और ट्रस्ट मी गाइज, इतना बुरा पंप, इतना भयानक पंप, कांट एक्सप्लेन। क्योंकि मैंने FST 7 चूज़ किया है फेज़ वन, तो भाई वो प्री फटीग है, उसके बाद वेट को लिफ्ट करना, हैवी लिफ्ट करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। बट ये चैलेंज है एंड आई एक्सेप्टेड, एंड इट इज़ वेरी मच फन टू डू द वर्कआउट। तो मैंने डिप्स के साथ फिनिश किया अपना चेस्ट वर्कआउट। इसके बाद मैं जाऊँगा घर, वे प्रोटीन पीऊँगा, एंड आई हैव सम कार्ब्स, पास्ता, चिकन पास्ता। All right. I gotta go, man. Thank you so much. Much love.